ID TV presents. दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम भारी तादाद में संवाददाताओं की उपस्थिति के लिए शुक्रिया अदा किया और संवाददाताओं से आग्रह किया कि दिल्ली को अपराध मुक्त करने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह पुलिस के पास आता है, उसकी बातें सुनी जाए और उसके आरोप की जांच कर दोषी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। आने वाले दिनों में केस के आंकड़े की परवाह किए बगैर अपराधियों के दिमाग में कानून का भय और लोगों के मन में सुरक्षा की भावना को साफ देखा जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कहा कि महिला, बच्चा, वृद्ध की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद के मामले में जैसी स्थिति देश की है वैसी ही स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली पुलिस 24 घंटे इस बात पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस आयुक्त भीम सिंह बस्सी ने संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने बाहर के गैंग के अपराधियों को पकड़ा है और यह बताने में सफल रहा है कि आप अगर दिल्ली में क्राइम करेंगे तो बचकर नहीं जाएंगे। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल व जिला पुलिस का इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि बच्चा खोने का मामला काफी समय से चिंता का विषय रहा है। इसके लिए एक अलग से विभाग काम कर रहा है जो बच्चों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर इस दिशा में गंभीरता से खोजबीन करती है। उन्होंने संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रैफिक दिल्ली की गंभीर समस्या रही है, इसके सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी है। दिल्ली पुलिस यातायात को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ सुरक्षित यातायात की दिशा में कार्य कर रही है। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि 2014 में कोई भी क्राइम जो दर्ज करने लायक है उसे हर हाल में दर्ज किया जाएगा, आंकड़ों की परवाह नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला, वृद्ध व बच्चों की सुरक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी जिला पुलिस को निर्देश दे रखा है कि सड़कों पर होने वाले क्राइम को हर हाल में रोका जाए। उन्होंने कहा कि वे इसे खुद गंभीरता से लेते हैं, इसलिए जगह जगह पुलिस उपस्थित रहती है ताकि अपराधियों के मन में भय हो। जनता और पुलिस के बीच सहयोग के लिए लगातार बैठक किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों के सवाल का जवाब काफी गंभीरता से दिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए उससे साफ नजर आ रहा है कि पुलिस आयुक्त अपने विभाग पर भी, अपने पुलिस कर्मियों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं और दोषी को दंडित करने में वे पीछे नहीं हटते। अब तक 446 पुलिस कर्मी को सस्पेंड किया जा चुका है। 1057 पुलिस वालों के खिलाफ जांच की जा रही है जिसमें 40 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं। 794 के खिलाफ विभागीय जांच चलाया जा रहा है। जांच के लिए विभाग का गठन अलग से कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि MHA, LG, PMO, CVC, NHRC, CMO, PGC, SC/ST कमिश्नर और हाई कोर्ट आदि से मिलने वाली कंप्लेंट की मॉनिटरिंग CMTS करती है। पुलिस को 62,130 शिकायतें इन विभागों से प्राप्त हुई थी जिसमें 11,836 शिकायत पुलिस के खिलाफ थी। इसे 10 भागों में बांट दिया गया। ये शिकायत भ्रष्टाचार, महिलाओं से जुड़ी, पावर का दुरुपयोग, प्रॉपर्टी विवाद, फिजिकल वायलेंस, मकान मालिक किरेदार विवाद और मानव अधिकार हनन से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने अपना लोगो तीसरी बार बदला है और इस बार उसने अपने लोगों में शांति, सेवा, न्याय को स्थान दिया है जो पुलिस आयुक्त भीम सिंह बस्सी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिक्र किया था। उसे पत्रकार सम्मेलन में उस लोगों को जारी कर दिया गया। पहली बार 1889 में दिल्ली पुलिस ने स्लोगन दिया था विद यू फॉर यू ऑलवेज, 2004 में सिटीजन फर्स्ट और 2014 में शांति, सेवा, न्याय। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि 40,88,000 अब तक चालान हुए हैं। पिछले साल में 62 करोड़ रुपया जुर्माना से वसूला गया है। वर्ष 2013 में
73,958 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 30,000 लोगों को पीसीआर ने अस्पताल तक पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस 2014 में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने पर ध्यान दे रही है वह है जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम करना, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना और आम लोगों को यह विश्वास दिलाना कि आप सुरक्षित हैं, चाहे आप कितनी मोटी चेन पहनकर महिलाएं सर पर निकले या आप अपने पॉकेट में हजारों रुपये डालकर सड़कों पर निकले, आपके मन में किसी प्रकार का भय ना हो। पुलिस आयुक्त का कहना है कि जब तक वे ऐसा नहीं कर लेते तब तक उन्हें लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस के मेरे साथियों, प्रेस से आए हुए मेरे दोस्तों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इस संख्या में आपने आके दिल्ली पुलिस की एक तरह से आप हौसला अफजाई कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो एक दिल्ली के नागरिकों की सेवा में कार्य कर रही है, आपका यहाँ होना एक उसकी एप्रिसिएशन की मैं का एक सिंबल समझता हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा अभी आपके सामने एक जो है दिल्ली पुलिस का जो लोगो है, वैसे तो आपने इस लोगो को बहुत बार देखा है, इसको हमने स्लाइटली मॉडिफाई किया है क्योंकि सत्य में जाते लोगों में दो जगह आता था, एक कैप्टन का जो इंसिग्निया है उसके नीचे और एक जो रिबन का जो बेस में रिबन था उस पर भी ये लिखा जाता था। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको एक जगह ही रहने दें और उसके अलावा जो हम सब भी समझते हैं पुलिस के काम को, अगर तीन शब्दों में कहना हो कि पुलिस का काम क्या है, शांति, सेवा, न्याय, तो ये तीन शब्द इन दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के काम को दर्शाते हैं। तो उसको हम अपने लोगों में सम्मिलित करते हैं ताकि हमें ये तीन शब्द हमेशा अपने कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित करें और हमें हमेशा याद रहें कि हम अपनी जो रहना है नागरिकों की सेवा करते हुए अपनी राह से ना भटके। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है कुछ दिल्ली पुलिस ने जो इस साल किया है, किस तरह से किया है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। आपको मालूम ही है कि हमारी प्रायोरिटीज जो है दिल्ली में एक पीपल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग देने की है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुद्दा है क्योंकि हम इस बात को मान के चलते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश वो ये समझता है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, उसके साथ में कोई जुर्म हुआ है, तो वो अगर पुलिस स्टेशन आता है उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है कि उसकी बात अच्छे से सुनी जाए। अच्छे से सुनने के बाद में उसके ऊपर अगर FIR बनती है तो FIR दर्ज हो, FIR दर्ज होने के बाद में अच्छे से मुस्तैदी के साथ तफ्तीश हो, अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है उसको कानून के हवाले किया जाए, चाहे गिरफ्तार करके या बिना गिरफ्तार किए उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि कोर्ट उस पर जो है अपना निर्णय एविडेंस के बेसिस पर दे सके। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मैं दिल्ली का वसीला रहा हूँ, मुझे पता है कि उससे पहले भी मुझे मालूम है कि दिल्ली पुलिस हमेशा, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, बसेस में ट्रेवल किया करता था, मुझे मालूम है उस समय भी दिल्ली पुलिस जो है ये एक हमेशा दिल्ली पुलिस के लिए मुद्दा रहा है। तो ये हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके लिए हमने कई नए कदम 2013 में उठाए थे और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इन कदमों को जो है मुस्तैदी से बरकरार रखते हुए इनको मजबूत किया जाएगा ताकि हर महिला दिल्ली के अंदर में आपको अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करे। बच्चों की सुरक्षा बेरोजगार से जो बुजुर्ग हमारे हैं उनकी सुरक्षा जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमेशा मुद्दा रहा है, इसको एक
इस प्रकार के क्राइम को एक अलग तरह की तवज्जो हमेशा से दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई प्रकार की कार्रवाइयां शुरू की हैं जिससे इनके साथ में रास्ता कायम किया जा सके, इनके सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। उसके अलावा जो है सड़क पे जो क्राइम होता है, चाहे वो महिला की गले से चेन छीन ली जाए, चाहे कोई व्यक्ति सड़क पे चला जा रहा है उसको कोई रोक कर उससे 150 200 500 5000 या लाखों में पैसा छीन के ले जाए या लूट के ले जाए, ये एक समस्या किसी भी मेगा सिटी में होती है। तो दिल्ली में भी ये समस्या है और हम इस समस्या को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो उसके लिए एक जो है उसको उसका जो उपाय है, एक उपाय प्रिवेंटिव उपाय ये है कि सड़क पर मैक्सिमम जो है पुलिस की प्रेजेंस रखी जाए, खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज है वो हमारी एक प्रायोरिटी रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के बिना, क्योंकि जब तक हमारा कम्युनिटी से रास्ता नहीं होगा, समाज हमारे को समझेगा नहीं और हम उससे उसके साथ उसकी उसकी कैपेसिटी को यूज नहीं करेंगे, तब तक क्राइम से मुकाबला नहीं हो सकता। इसके लिए समय समय पर कई प्रकार के जो है दिल्ली पुलिस ने उपाय लिए हैं, जिनमें से एक उपाय आपको जैसा याद होगा तकरीबन 1999 के आसपास शुरू किया गया था, नेबरहुड वॉच स्कीम, जो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया स्केल एनहांसमेंट एफर्ट मानी जाती है। उसको फिर से जो है हमने रिवाइटलाइज करने का निश्चय किया है 2013 में, और उसको जैसा आपको मालूम भी होगा कई इलाकों में इसको जो है फिर से एक नए कदम की तरह इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वहां के इलाके की जनता के साथ मिलकर हमारा जो लोकल पुलिस का कर्मी है वो इलाके की सुरक्षा को मजबूत कर सके। दिल्ली और जिस हालात में पूरे देश के हालात हैं आपको मालूम है कि टेररिज्म हमेशा हमारे लिए एक चुनौती रहा है, और दिल्ली पुलिस ने हमेशा उस चुनौती को स्वीकार करके बहुत ही मुस्तैदी से इसके लिए कार्रवाइयां की हैं। तो वो हमारे लिए एक हमेशा से प्रायोरिटी रही है, वो 2013 में भी थी और हमारे आगे आने वाले समय में भी रहेगी। दिल्ली शहर में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से, आप कभी कहीं शाम को कहीं खड़े हो जाए किसी ग्रुप में, आप अगर एक घंटा बातचीत होगी कहीं ना कहीं घूम फिर के ट्रैफिक के ऊपर बातचीत हो जाती है, आप FM रेडियो भी सुन रहे होते हैं उसमें भी ट्रैफिक के बारे में बातचीत होती है। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना दिल्ली में एक बहुत बड़ी एक दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें जो है दिल्ली पुलिस आप लोगों की मदद से, जनता की मदद से काफी हद तक सफल रही है। पिछले 3 सालों में जो फैटालिटीज हैं कम हुई हैं। मोबिलिटी विद सेफ्टी एक हमारा हमेशा से प्रायोरिटी रही है और ये बरकरार अगले सालों में भी रखी जाएगी, और मैं उम्मीद ये करता हूं 2014 के अंदर में कोई भी ऐसा क्राइम जो दर्ज करने के काबिल हो वो बिना दर्ज हुए नहीं रहेगा, ताकि हमें अपने शहर के क्राइम की हेल्थ के बारे में पूरी तरह से पता हो, और ताकि क्राइम से फाइट करने की अच्छे से स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, और जो जुर्म करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के सामने पेश कर उनको यह मुनासिब उनको पनिशमेंट दी जा सके। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास भी, बाकी हर जगह पर भी आज की तारीख में जो है इलिसिट वेपन्स के जो किसी जमाने में बड़े अनसोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे, अब काफ़ी हद तक सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए गन रनिंग जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेशल सेल इसको एक अपने जहन में हमेशा रखते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। दिल्ली से बाहर के गैंग्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्राइम करना चाहेंगे हम आपकी लाइफ को उतना ही मुश्किल करेंगे, हम क्राइम करना उतना ही मुश्किल कर देंगे। जैसा आपको मालूम ही है कि पुलिस कंट्रोल की गाड़ियाँ कितनी दिल्ली शहर में अहमियत रखती हैं। हमारा एक पुलिसिंग का एक की पहलू है, हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का एक की पहलू है। अगर PCR की गाड़ियाँ एक मिनट के लिए दिल्ली शहर से हटा दी जाएँ तो रिस्पॉन्स विल सडनली बिकम आर्काइक। तो हमारे लिए इनकी बड़ी अहमियत है। दिन में
धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, रात में धुंध हो, बरसात हो, हमारे पीसीआर के जवान हर प्रकार के समय में सेवा भाव के साथ जो है कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति जो सड़क पे इंजन पड़ा हो, जिसको आप पास से भी गुजरते आपको संतोष होगा, उन व्यक्तियों को ये एक मिनट लगाए बिना या एक सेकंड लगाए बिना वहां से ले जाने से हिचकते नहीं, तो मैं पीसीआर के स्टाफ को सैल्यूट करता हूँ। देखिए, समाज के साथ हाथ मिला के ही हम काम कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, किसी पुलिस कर्मी को नहीं। कि पुलिस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजायर ऑफ द सोसाइटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। समाज से जब तक हम एक अपने आप को जोड़ ना लें, तब तक हमारी सक्सेस पूरी नहीं हो सकती, इस बात को हम समझते हैं। कमियां होंगी, जरूर होंगी, पर कमियों को कम करना है, इस बात को मद्देनजर रखकर हम लोग नंबर ऑफ एक्टिविटीज कम्युनिटी पुलिसिंग की कर रहे हैं। ये आपके सामने उसकी डिटेल्स हैं। सीसीटीवी कवरेज जैसा आपको मालूम नहीं है, ऑलरेडी हमारी कुछ मार्केट्स, ये डिटेल्स हैं आपके सामने। बाकी जो है 3000 के आसपास कैमराज लग चुके हैं, अच्छी क्वालिटी के कैमराज हैं। इनकी इनका फीड पुलिस स्टेशन जाता है, देन वी हैव फीड टू C4I ऑल्सो। उसके अलावा जो है तकरीबन जो है 2500 के आसपास एडिशनल कैमरा भी लगेंगे। हमें उम्मीद है कि एक फर्दर जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन हमें 1600 करोड़ मिलने की उम्मीद है, जिससे तकरीबन 10000 के आसपास कैमरा और बढ़ेंगे, तो जिससे दिल्ली शहर में हमारे पास देखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये भी एक चैलेंज है, तो 4 कैमरा देखना आसान होता है, 40 कैमरा देखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, 400 कैमरा देखना और ज़्यादा मुश्किल होगा, नंबर बढ़ेगा। तो ये एक दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको एश्योर करूँगा कि ये जो कैमरा से दिल्ली पुलिस दिल्ली शहर की सुरक्षा को बेहतर करेगी।